बराबर से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद हलवा बनाएंगे। भैया बहुत काम है आज और ठंड भी बहुत है, हवाएं चल रही हैं, बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए, बर्तन भी धुलने हैं, दूध बॉयल हो रहा है, चाय सबने पी ली है, यानी कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो सबका हो चुका है। अब तैयारी हो रही है लंच की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज ठंड बहुत है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, और साथ ही साथ मुझे एक टास्क दिया है मेरे बेटे ने कि मामा आपको बनाना है दाल बनानी है। हाँ, रायता। यार ये तो सिंपल सा खाना तो रोटी सा बनता है घर पे, है ना? एक्स्ट्रा क्या बनाना है? कुछ नहीं, बस यही बनाना है। ग्रैंड है यार, यानी कि जो भी यूपी में डिश होती है उसको बनाना है, लेकिन इसको स्कूल की तरफ से ये प्रोजेक्ट मिला है इसका, इसको ही देखकर नंबर मिलेंगे, लेकिन नंबर इन्हें मिलेंगे, काम हमें करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, गाजर है इन्हें वॉश कर लेती हूँ, फिर इसका छिलका हटाएंगे, उसके बाद कद्दूकस करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे गाजर का हलवा बनाना। हम है भी चाय चलता, अभी आया। ओके ठीक है, जल्दी आपके छिलका हटा दिया है, और इसके बाद अब इसको हम कद्दूकस करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाना। चलिए इनको फटाफट से मैं कद्दूकस करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। वो गाजर को मैंने कस लिया है और इस पे कढ़ाई रख दी है। चलिए हलवा बनाते हैं फटाफट से। तो इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले 1 चम्मच भर के देसी घी, ठीक है? मेन बात क्या, हलवा बनाने के लिए मेरे पास खोया नहीं है, ठीक है? तो मैं इसमें दूध का इस्तेमाल करूंगी, और दूध को मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी, जिससे कि वो हल्का हल्का पकता रहेगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, फिर मैं इसको हलवे में ऐड करूंगी, जिससे कि मेरा हलवा भी जल्दी बन जाएगा। नहीं तो मैं दूध इसमें डालूंगी तो उसे पकने में बहुत देर लगेगी। तो एक पे मैं दूध बॉयल होने रखूंगी और एक पे मेरा हलवा यानी कि गाजर अच्छे से मतलब उबलती रहेगी, ठीक है? और यहाँ पर मैंने 1 kg गाजर ली है। गाजर में जो पानी होता है ना, वो सारा मतलब उसमें ही पकनी है, इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि गाजर के अंदर ऑलरेडी पानी होता है, तो हमें जो गाजर का हलवा है वो इसी के सहारे ही बनाना है। तो हम इसको हल्का हल्का सिर से डाल लेंगे। करेंगे कवर करके रख देंगे और इसको पकने देंगे, जो गैस की जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे हम इस तरह से। तो ये देखिए हलवा हमारा बस पक ही चुका है, थोड़ा सा इसको ड्राई करेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो दूध डाला है वो अच्छे से सूख जाए, और दूध खोए की जगह हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है, खोया होता है ना, तो इतना टाइम नहीं लगता है हलवे को पकने में, क्योंकि हलवा मतलब खोए से बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है, लेकिन हाँ ये भी उतना ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी दूध मतलब जला कर लगाया हुआ है, तो इसको अभी जो स्वाद है ना वो बिल्कुल खोया की तरह ही आएगा, मतलब गाजर के हलवे में जो खोए का टेस्ट आता है ना वैसा ही आएगा। बस इसको 5 मिनट हम और करेंगे, बिल्कुल अच्छे से वो हो जाएगा, और उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स हम ऐड कर देंगे जो भी है। 5 मिनट और इसी तरह से पकाना है और गाजर का हलवा हो जाएगा रेडी। यह दाल बन रही है और इसमें बनाएंगे सब्जी अभी हम। मेरी गोभी आलू की सब्जी भी बनके बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। दाल में मैंने तड़का लगा दिया है, ये चावल मेरे बन रहे हैं। हाँ चावल बन गए, अब पता है क्या रह गया है मेरे को, रोटी सेकने के लिए रह गया, पूड़ियां बनाने के लिए रह गया है, और मसाला आलू बनाने के लिए रह गया है। चलिए फटाफट से ये सब्जी की दाल अब तैयार हो जाएगी। बना रही हूँ मसाला आलू, उधर गोभी आलू की सब्जी बन रही है। इसमें ऑयल हम कम लगाएंगे। फटाफट से मैं तैयार कर लेती हूँ, आलू को कट कर लेती हूँ। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, मसाला आलू बनाने हैं ना,
चलिए करते हैं। प्याज कट किया, हरी मिर्च कट की है, धनिया कट कर लिया है मसाले आलू के लिए। मसाला आलू थोड़े से ही बना रही हूँ क्योंकि सब्जी ना काफी हो गई है। दाल बन गया, आलू गोभी बन गया, ये भी बन गया, फिर से फिनिश कौन करेगा। सिर्फ बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें बना रही हूँ मैं। ओह, गैस बंद पड़ी है, मतलब यहाँ से ऑन है यहाँ से बंद है गैस। बेटा अभी तो हम क्या, मेरा ऑयल गर्म क्यों नहीं हुआ। ये देखिए दाल को बना दिया है, कहाँ चिमटी लगा रहे हैं। शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे को और भी काम हो जाते हैं बीच बीच में, तो जितना मैं शूट कर पा रही हूँ बस उतना ही कर पा रही हूँ। बच्चे अपना डेकोरेशन कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक डे है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, बस वो डेकोरेशन कर रहे हैं, बैलून्स फुला रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। आलू गोभी की सब्जी भी बनके बिल्कुल तैयार है, बस हरा धनिया डाल देते हैं इसमें। यहाँ पर ये देखिए 26 जनवरी की डेकोरेशन हो रही है और विशाल यहाँ पर हैं, ये देखिए बैलून्स पड़े हैं और मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ, यानी कि हर कोई अपने अपने काम में ही लगा हुआ है बस। चलो अच्छा, तुम लोग डेकोरेशन कर लो, कुछ बोलना चाहोगे, कभी अपने लिए इस तरह से किया स्पेशल मौके पे नहीं ना। ये देखो, अच्छा अगर अवार्ड भी देना तो उसको फोटो क्लिक करा के खुद ले लेते हैं। मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ और वैसे तो सब चीज़ मेरी तैयार है, पूड़ियाँ बना देती हूँ उसके बाद रोटियाँ सेक दूंगी। अब हम लगाएंगे थाली, यानी कि यूपी थाली, उत्तर प्रदेश की थाली। तो उत्तर प्रदेश की थाली में सबसे मेन चीज़ क्या होती है यहाँ पर, पता है क्या है, दाल चावल। दाल चावल तो भैया उत्तर प्रदेश में बनना ही बनना है सबके घर में, क्योंकि मेरे घर में खुद डेली दाल चावल बनता है। तो ये है दाल, यहाँ पे हमने अरहर की दाल है, इसको हमने पहले थाली में लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दाल के साथ में एक सब्जी भी होनी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमने ली है आलू गोभी की सब्जी, इसे भी हम इस थाल में लगाएंगे। और इसके बाद बारी आती है एक और सब्जी, हम इसमें ऐड कर रहे हैं, कोई भी सब्जी ले लो लेकिन ज़्यादातर आलू भी चलते हैं। तो यहाँ मैंने मसाला आलू बनाए हैं, तो ये रहे मसाला आलू। तो ये तो हमारी हो गई मतलब सब्जियाँ, ठीक है। और अभी हम इसमें लगाएंगे कि चावल, रोटियाँ जो होती हैं वो सब लगाएंगे, लेकिन चलिए मिठाई भी लगाते हैं, ठीक है। गुलाब जामुन, फेमस मिठाई है यहाँ की गुलाब जामुन, ठीक है। तो ये लिखिए, हम देखिए हमने लगा दिया है गुलाब जामुन और साथ ही साथ में गाजर का हलवा। ये तो हो गई हमारे मीठे में और अब बारी आती है दाल के साथ चावल, ठीक है। तो अब हम चावल लेंगे, चावल ये देखिए, ठीक है। तो ये रही हमारे चावल और चावल के बाद में आलू गोभी और मसाला आलू से खाने के लिए है पूड़ी और रोटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक रोटी, ये देखिए ये हो गई हमारी रोटी थाली में। और उसके बाद सबसे मेन चीज और रह गई, ये है दही। दही भी होना बहुत ज़रूरी है थाली में, तो ये चीज़ हो गई। और साथ में हमें हो गया सैलेड, तो सैलेड के लिए मैंने रिपब्लिक स्पेशल बनाया हुआ है, तो इसलिए आप देख सकती हैं किस तरह से बनाया है। हरे रंग के लिए मैंने यहाँ पे कुकुमर लिया है, फिर रेडिस ली हुई है, कैरेट ली हुई है, और इस तरह से मैंने इसको ले रखा है। ये देखिए आप, बहुत ही प्यारा लगेगा इस तरह से। तो ये है हमारी
उत्तर प्रदेश स्पेशल थाली। तो चलिए हो जाइए उत्तर प्रदेश थाली को खाने के लिए, फटाफट से फिनिश कर डालिए। हमने थाली लगा दी है और इनकी हम फोटो शूट चल रहा था अभी, तो फोटो शूट हमारा पूरा हो गया है। और ये देखिए थाली इस तरह से हमने लगाई है, सैलेड है साथ में और इस तरह से डेकोरेशन की है बच्चों ने, ये देखिए आप। तो ये इस तरह से इन्होंने कर रखा है और काफ़ी टाइम लगा है इसमें, मतलब बहुत टाइम लग जाता है कोई भी चीज़ करो तो टाइम तो लगता ही है किसी भी चीज़ में। और विशाल कैसा लग रहा है? अच्छा। हाँ, अब तो हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। सामान को समेट देते हैं और उसके बाद थाली को लगाएंगे। लेकिन थाली लगाने से पहले पता है क्या, मुझे चाय की बहुत धड़क लग रही है, तो मुझे पहले बनानी है अपने लिए चाय। तो पहले बनाएंगे चाय फटाफट से, अदरक वाली चाय। और हलवा बनाया था सच्ची में, हलवा बहुत टेस्टी बना है। यहाँ तक कि हाय रब्बा, हस्बैंड ने भी पहली बार तारीफ की है कि दुख ना खाते नहीं है कोई भी चीज़, मतलब उन्हें थोड़ा बहुत खाते हैं लेकिन उन्हें टेस्टी लगा ये वाला हलवा, सच्ची में बहुत टेस्टी है। तनिषा को भी पसंद आया, सबको पसंद आया। चीनी भी खत्म हो रही है, चीनी आएगी आज। तीन के बाद चार। मैं अकेले के लिए चाय नहीं बना रही हूँ, सबके लिए बना रही हूँ चाय, इसलिए मैंने इसमें चार चम्मच चीनी डाली है क्योंकि